तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर आप आए हो मतलब आपको अपने पीएफ अकाउंट की जो पैसे है उसे निकालना है या तो फिर जो निकालने की प्रोसेस है उसे आपको जानना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा कि जो पीएफ की कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसे हम कैसे निकाल सकते। हाँ फ्रेंड्स, आपने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, अपने जॉब को छोड़ दिया और फ्रेंड्स आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट कटा हुआ है पीएफ में, पीएफ अकाउंट में, उसे आप निकालना चाहते हो, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कितने दिनों बाद आप नौकरी छोड़ने के कितने दिनों बाद अपने पीएफ अकाउंट की जो पीएफ पैसे को निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दी बेल आइकन को एक बार प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पीएफ अकाउंट की जो पैसे रहती हैं उसे निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है और आप पीएफ अकाउंट की सारा पैसा को निकालना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है और आपके एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है वही अमाउंट को आप अभी निकाल सकते हो अगर आपने 9 साल 6 माह तक जॉब नहीं की है। तो 9 साल 6 माह से अधिक जॉब की है तो आप सभी पैसे को निकाल सकते हो जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट रहेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अमाउंट रहेगा तथा जो पेंशन की जो कटती है वो उसको भी आप निकाल सकते हो अगर आपने 9 साल 6 माह से अधिक जॉब किए हो तो। और इससे कम किए हो तो आप अपने पूरे अमाउंट को नहीं निकाल पाओ, सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अमाउंट को निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जॉब छोड़े हुए कम से कम 2 माह होना चाहिए तब आप अपने पीएफ से पैसे को निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या प्रोसेस करना रहता है मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, यहाँ पर आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड को डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें जाना है मैनेज पर, मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर जाना है मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, यहाँ पर अपना आप एम्प्लॉयर की आईडी है उसको सिलेक्ट करके उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखा दिया है डेट ऑफ एग्जिस्ट कैन ओनली बी अपडेट आफ्टर 2 मंथ ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो कट रहा था वो कम से कम 2 माह पहले तक यहाँ पर नहीं कटना चाहिए, तब इस वाले ऑप्शन पर मार्क एग्जिट हो सकता है। मतलब जैसे कि आपने नौकरी छोड़ी तो नौकरी छोड़ने के 2 माह तक आपका पेमेंट नहीं आएगा और 2 माह तक आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी नहीं आएगा। मतलब कम से कम दो माह के बाद ही आप यहाँ पर मार्क ऑफ एग्जिट वाले ऑप्शन पर मार्क एग्जिट कर पाओगे, उसके बाद ही ऑनलाइन पीएफ की पैसे को निकालने के लिए क्लेम कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन है इस पर मार्क एग्जिट होने के बाद ही आप ऑनलाइन पीएफ की पैसे निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पर मार्क हो जाने के बाद आप ऑनलाइन पीएफ के पैसे को निकालने के लिए प्रोसेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या प्रोसेस करना रहता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए सिंपली 2 फॉर्म भरना रहता है आपको। पहला है फॉर्म 19 सिर्फ आपका जो कंट्रीब्यूशन रहता है और आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है उस अमाउंट को निकालने के लिए फॉर्म 19 को भरा जाता है और फॉर्म 10C को पेंशन की जो पैसे हैं उसको निकालने के लिए भरा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पीएफ में मार्क ऑफ एग्जिट मार्क हो चुका है तो फ्रेंड्स आपको पीएफ के पैसे निकालने के लिए अगर आपने 9 साल 6 महीने तक काम किए हो तो फ्रेंड्स दोनों फॉर्म को आप भर सकते हो और 9 साल 6 महीने से कम काम किए हो तो आपको सिर्फ फॉर्म 19 को भरना पड़ेगा, फॉर्म 10C को आप नहीं भर पाओगे। इसके लिए आपको 58 साल की उम्र होने तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म 10D भर के आप अपने जो पेंशन के अमाउंट है उसे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाली है, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए।